हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया बाटन चैनल। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज ये बहुत ही लाजवाब चिकन कोफ्ता करी। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। जब मैंने अपने चैनल पर चिकन कोफ्ते की रेसिपी डाली तो आप लोगों की रिक्वेस्ट आई कि चिकन कोफ्ता करी बनाकर दिखाइए। तो आप ही की रिक्वेस्ट पर मैं लेकर आई हूँ ये डिलीशियस चिकन कोफ्ता करी की रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी देखने के बाद अच्छी लगे तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा कुछ इस तरीके से बटन को दबाकर, और बेल आइकन का बटन ज़रूर से दबाइएगा ताकि मेरी वीडियोज़ आपको मिल सके अपलोड करते ही। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में 1/4 कप तेल को गर्म कर लिया। उसमें डाला है 1 दालचीनी, ये 2 छोटे तेज़पत्ता, 3 ये हरी इलायची, 4 लौंग, और साथ साथ ही ये 1 मीडियम साइज़ की प्याज है जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है, उसको डाल दिया है। अच्छी तरीके से प्याज को भून लेंगे जब तक कि इसका पानी बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाता, साथ साथ अच्छी गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। ये कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। कुछ 1 मिनट तक के लिए इसको भी इसी तरीके से चला लेते हैं। और उसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये 1 टमाटर लिया था मैंने मीडियम साइज का, जिसका प्योरे बना लिया है सिंपली ब्लेंडर में चला के इसको, और उसको भी डाल दिया है। अब हमें टमाटर को पकाना है लेकिन साथ साथ हम मसाले भी इसमें डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। तो मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया, 1/2 चम्मच इसमें डाल रही हूँ हल्दी, और 1 चम्मच ये भुने हुए जीरे का पाउडर। मिला लेते हैं सब चीज़ों को। और साथ साथ ही इसमें डाल देते हैं नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। उसके साथ साथ इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी, 1/4 कप के करीब पानी डाल रहे हैं, सिर्फ इतना कि मसाले और टमाटर हमारे अच्छे से पक जाएं। तो सब चीज़ों को अच्छे से मिलाकर, और अब हम ढक्कर इसको 3-4 मिनट तक पकाएंगे जब तक कि बिल्कुल ऑयल इसमें से सेपरेट नहीं हो जाता, यानी कि मसाले अच्छी तरीके से पक नहीं जाते। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसको 3 मिनट के करीब ढक्कन ढके हुए पका लिया था मीडियम फ्लेम पर, और आप देख सकते हैं अच्छे से ऑयल सेपरेट हो गया है और मसाला भी अच्छा थिक है हमारा, कलर भी बहुत ही अच्छा आया है क्योंकि हमने कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल करा है। तो अब टाइम है इसमें मैं डाल रही हूँ 1/3 कप दही। दही को पहले मैंने रूम टेम्परेचर पर ले आई थी, यानी कि बिल्कुल ठंडा दही नहीं होना चाहिए आपका, साथ साथ गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करें और उस टाइम पर डाल दें ये 1/3 कप दही। इसमें अच्छे से बीट करके दही को डालें और बस इस तरीके से मिला दें। अब हम क्या करते हैं, अब ढक्कन ढक देते हैं और इसको 4-5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे हम। तो ये बीच में आप ढक्कन हटाकर एक बार ज़रूर से चला लें इसको, क्योंकि आपने दही डाली है तो हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि बिल्कुल हमारी जो ग्रेवी है वो बिल्कुल लगे ना कढ़ाई से। तो बीच में ढक्कन हटाएं आप इस तरीके से 1-2 मिनट बाद, और उसको चला लें और फिर से ढक्कन ढक दें जब तक कि दही हमारी अच्छी तरीके से पक नहीं जाती। दही को पकाना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आपको ग्रेवी में बहुत ही कच्चापन महसूस होगा, और ग्रेवी जो आपकी, कई बार लोगों का मेरे पास मैसेज आता है कि हमारी ग्रेवी थोड़ी खट्टी लग रही है, वो इसलिए क्योंकि आप दही को पूरी तरीके से नहीं पकाते हैं। तो 4-5 मिनट अच्छे से मैंने इसको पका लिया है, जब ऑयल अच्छे से सेपरेट हो गया है, कलर भी बहुत ही अच्छा आ गया है, तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है ये 1/2 कप पानी, और बस अब सब चीज़ों को एक बार इस तरीके से चम्मच चला कर मिला देते हैं। और ये ग्रेवी आप देख रहे होंगे अभी मैंने काफ़ी पतली कर ली है, इसलिए क्योंकि अब हम इसके अंदर डालेंगे कोफ्ते, और कोफ्ते को 4-5 मिनट तक पकाएंगे इस ग्रेवी में, और तब पकाते पकाते प्रोसेस में हमारी ग्रेवी फिर से थिक हो जाएगी। तो मैं इसमें 7-8 कोफ्ते डाल रही हूँ। ये अगर आपने मेरी चिकन कोफ्ते की रेसिपी चेकआउट नहीं करी है तो ज़रूर से चेकआउट कर लें। ये कोफ्ते बनाना बहुत ही आसान है, मिनटों का काम है इन कोफ्तों को बनाना, और उसके बाद आप प्रिपेयर कर सकते हैं ये डिलीशियस ग्रेवी उन कोफ्तों से। तो कोफ्ते की रेसिपी वीडियो के एंड में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर से चेकआउट कर लें। तो सारे कोफ्ते डालने के बाद अब ढक्कन ढक के 4-5 मिनट तक हम इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप, अच्छा उबाल आ रहा है ग्रेवी में, और अभी आपको कलर बिल्कुल इसका अलग लग रहा होगा जो पहले लाल कलर था इसका, पर आप जब इसको पकाते रहेंगे। तो अब मैं ढक्कन दोबारा ढक रही हूँ 2-3 मिनट बाद, और अब फ्लेम मैं कर दूँगी थोड़ा धीरे, और जैसे ही आप थोड़ा धीरे करके फ्लेम इसको पकाएंगे देखेंगे ग्रेवी थोड़ी देर में थिक होने लग जाएगी आपकी, और साथ साथ जो ऑयल आपने डाला था, जो शुरू में आपको लाल कलर की अच्छी ग्रेवी दिखाई दे रही थी, वो फिर से वही कलर आने लगेगा ग्रेवी पे। तो ये जब पूरी अच्छी तरीके से ऑयल सेपरेट हो गया है तो अब हम लास्ट में इसमें डाल देंगे कटा हुआ बारीक धनिया, और साथ साथ इसमें जाएगा 1 चम्मच गर्म मसाला, और मिक्स कर देते हैं इसको।
तो एकदम बढ़िया खुशबू आ रही है और बढ़िया से ये चिकन के कोफ्ते की करी बनकर हो चुकी है बिल्कुल तैयार। गैस का फ्लेम अब मैं कर दूंगी ऑफ और इसको ढक्कन ढक के 5 मिनट इसी तरीके से रहने दूंगी। तो ये चिकन कोफ्ता करी बनकर बिल्कुल तैयार है। गार्निश कर देते हैं इसको कटे हुए बारीक धनिए से, जिससे कि और भी अच्छी लगती है देखने में। बढ़िया सी रेसिपी है, बहुत ही इजी है इसको घर पर बनाना और देख सकते हैं आप कितना बढ़िया इसका कलर आता है, बहुत ही डिलिशियस बनकर आती है। आप इसे इंजॉय कर सकते हैं रोटी, पराठे, नान और बॉइल्ड राइस, ज़ीरा राइस, बिरयानी, किसी चीज़ के भी साथ। तो बनाइए इस रेसिपी को, आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। मैं आज इसको अपने घर पर सर्व करने वाली हूँ बॉइल्ड राइस के साथ और दिखाती हूँ आपको कि कितनी अच्छी थिक ग्रेवी बनती है इसकी। ये देखिए, तो मज़ेदार सी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिए और ज़रूर से लिखकर बताइए कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो ज़रूर से लिखिए और साथ साथ अगर ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर से दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा अगर मेरे चैनल की रेसिपीज़ आपको आती हैं पसंद। तो जल्दी मिलती हूँ आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक कीप एंजॉइंग लाइफ एंड हैव अ लवली टाइम विद योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस। गॉड ब्लेस, बाय बाय एंड टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ्स।